हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गाड़ी में एंटी रस्ट कोटिंग के लिए आपको डीलर काफ़ी फोर्स करते हैं, सर्विस वाले, कि आप करा लें, गाड़ी में जंग नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना चाहिए जी? सबसे पहली बात तो ये कि नई गाड़ी में किसी भी तरह से एंटी रस्ट कोटिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी फैक्ट्री से, कंपनी से गाड़ी पूरी तरह तैयार होकर आती है, पूरी प्रोटेक्शन के साथ, जिसमें उसे कोई भी रस्टिंग का कोई चांस होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और कंपनी बहुत हाई एंड मटेरियल यूज़ करती है, बहुत केमिकल्स में गाड़ी को डिप करती है, जिंक कोटिंग की जाती है, जिससे गाड़ी के आयरन स्टील पार्ट्स में ज़रा भी जंग नहीं लगे। तो गाड़ी में तकरीबन मेरा ख्याल है 4 साल तक आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग कराएं। तो अगर आपको करानी है तो आप 4 साल के बाद उसे ज़रूर करा सकते हैं। अगर आप शुरू में कराते हैं कोई नुकसान नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपके पैसे लग जाएंगे, जो भी डीलर की कमाई होगी, और बट कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपको कराना ही है तो कुछ समय जब गाड़ी चला लें आप, लगभग 4 साल, या इनकेस आपकी गाड़ी नीचे से स्क्रैप होती है, घिस जाती है स्पीड ब्रेकर से या खड्डों में तो पेंट उतर जाता है, तब आप करा सकते हैं, या फिर 4 साल के बाद, तब तो उसको करा के आपको कुछ फ़ायदा होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी एंटी रस्ट कोटिंग की। तो आई होप आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अपना ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दें। थैंक यू। जय हिंद।